हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 जो साइंस है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसका लेक्चर नंबर 1 हम लेके आए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम जितने भी चीज़ें उससे होती हैं कवर करेंगे और बाकी चीज़ें हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को अभी कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो देखो, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है एंड सॉल्ट्स क्या होता है, उसको हम उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका बिहेव कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर उसको हम टेस्ट करके पता करने जाएं तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। तो कभी कभी चीज़ों को बिना टेस्ट किए हमें इंडिकेटर की मदद से पता करना होता है। तो जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी स्टार्ट करेंगे हम सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, मैं बताऊंगा हर एक चीज़ को। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो देखो, इंडिकेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है, जो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, बताता है कि ये चीज़ ये हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ मैं इंडिकेटर में आपका आता है लिटमस। क्या होता है, लिटमस इज़ अ पर्पल डाई। ये एक पर्पल डाई टाइप का होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिंचन। लिंचन एक ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, उससे ये बनाया जाता है। बिलोंगिंग टू वराइटी थैलाफोइटा, इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। ये जो पेपर होते हैं ना, जैसे कि ये हमारा कागज़ का एक टुकड़ा पेपर है, इसी टाइप का एक स्ट्रिप टाइप का होगा, ऐसा आता है, स्ट्रिप टाइप का आता है। एंड अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड स्ट्रिप, जो कि मार्केट में हमें ब्लू और रेड स्ट्रिप में मिलता है। ठीक है, अब ब्लू लिटमस स्ट्रिप, अगर आपके पास कोई ब्लू लिटमस स्ट्रिप है, व्हेन डिप्ड इन एसिड, जब एसिड के एसिड वाले सॉल्यूशन के अंदर यूँ डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, अकर्स रेड कलर्स, तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। यानी कि हमने उसको बिना टेस्ट के ही पता कर दिया कि ये क्या है, ये एसिड है। सिमिलरली अ रेड लिटमस स्ट्रिप, अगर रेड लिटमस स्ट्रिप को डिप किया जाएगा बेस सॉल्यूशन में, तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। यानी कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डुबो रहे हैं और वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो क्या है, बेस है। और ब्लू कलर का आप डुबो रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, वो रेड कलर का हो जा रहा है, तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, ये तो पहले टाइप का आपका इंडिकेटर हो गया। सेकंड आपका आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, इट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिक डाई। ये एक ऑर्गेनिक डाई होता है। ठीक है, इन न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन, क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल मतलब सामान्य, एसिडिक सोल्यूशन इट इज़ कलरलेस। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो अगर न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है, तो उसमें वो क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपका सोल्यूशन बेसिक है और उस पर आप फिनोफ्थलीन डुबो रहे हो, तो क्या होगा, द कलर ऑफ इंडिकेटर चेंजेस टू पिंक। जो वो येलो कलर का था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो तब आप क्या सोचेंगे कि वो क्या क्या है, वो क्या है, आपका बेस है, बेसिक है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड, मिथाइल ऑरेंज, कि ये क्या होता है। कह रहे मिथाइल ऑरेंज इज एन ऑरेंज कलर्ड डाई। जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एक ऑरेंज कलर डाई होता है, एंड कीप्स दिस कलर इन द न्यूट्रल मीडियम। ठीक, इन द एसिडिक मीडियम द कलर ऑफ इंडिकेटर बिकम्स रेड। एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज से किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एंड इन द बेसिक मीडियम इट चेंजेस टू येलो। और बेसिक मीडियम में ऑरेंज से वो किस कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है, और न्यूट्रल में चेंज नहीं होता है। ठीक है, कह रहे हैं बोथ फिनोफ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब इसे कहाँ पर बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, बाय कैरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन। दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, लिटमस इज़ ए न्यूट्रल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स।
जो लिटमस होता है वो एक न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, जिससे हम किससे बनाते हैं, प्लांट से बनाते हैं। कौन सा प्लांट? लिंचन प्लांट, जो कि इस टाइप का होता है, आपको ग्रीन ग्रीन कलर का होता है जो कि दिख रहा है। ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, ये बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है दिनेश की बुक में। इसे आप ज़रूर परचेज़ करना, ये बहुत ही शानदार बुक है। इसमें आपको हर एक चीज़ बारीकी के साथ मिल जाती है, ठीक है। और ये जितना भी कंटेंट मैंने आपको बोला, इसका सारा क्रेडिट दिनेश को जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे पास। बहुत ज़रूरी था बताना आपको पहले कि भैया इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, तो जब मैं आपको इसका जो बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट के जब बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा, तो आपको समझने में फटाफट आसानी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया एसिड क्या होता है। आपके मन में पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज एसिड्स, ठीक है, कि एसिड्स क्या होते हो भैया, ये बताऊं। अगर मैं बात करूँ आपसे, कोई भी चीज़ पूछे एसिड्स की, दुनियादारी रामायण में नहीं बढ़ा रहा, जो काम की चीज़ें मैं वही बताऊँगा। हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये याद रख लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का कोई चीज़ फॉलो कर रही है तो वो एसिड होता है। जैसे कि नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है कि जो एसिड होते हैं, अगर टेस्ट की बात करें, एसिड्स हैव जनरली शॉर का मतलब समझते हैं ना, खट्टा, ठीक है। तो जो एसिड होता है वो, जो अगर उसको टेस्ट करोगे तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो एसिड होता है ना, अगर उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करो, वाटर के अंदर डुबो, तो एच पॉजिटिव आयन को वो रिलीज करता है। एसिड्स डिजोल्व इन वाटर। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल के तौर पर देखना चाहते हो तो आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, है ना। एसिड्स डिजॉल्व्स इन वाटर टू रिलीज, क्या रिलीज करता है वो, एच पॉजिटिव आयंस। ये ज़्यादा ज़रूरी है, एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भैया एसिड्स क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे, भैया एसिड तो भैया स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये अगर इसे हम पानी में डुबोएं तो ये एच पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड लिटमस जो हमारा होता है ना, मैंने आपको बताया था कि लिंचिन से बनता है। थर्ड, ये ज़्यादा ज़रूरी है, एसिड्स टर्न्स, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किससे बदल देता है, रेड में, ठीक है। और ये तो किसकी बात की हमने, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस की बात कर ली। अभी और भी हमारे पास है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब की भी बात कर लेते हैं। और अगर फिनोफ्थलीन की बात करूँ, फिनोल्व थलीन, फिलोफ्थीन क्या होता है, कलरलेस एंड गिव रेड कलर, कौन देता है रेड कलर, एंड गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज में करोगे तो वो क्या, कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा विथ मिथाइल ऑरेंज। तो अगर ये तीन चीज़ें भी नहीं लिख रहे हो तो बस लिटमस के लिए बात कर दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होने पर एच पॉजिटिव आयन देते हैं। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, फिनोफ्थलीन में कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज में वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। आया समझ में कि भैया एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो रिएक्शन कराया जाएगा, अगर सपोज करो एसिड के रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ,
मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्शन विद मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करा जाए तो क्या होगा। ठीक है, सो देखो हमेशा एक रूल याद रखना, मैं बहुत चीज़ें सिंपल बता रहा हूँ। अगर हम लेते हैं मेटल, कोई भी मेटल ले लिया, समझते हैं ना मेटल, मेटल को अगर क्रिया मतलब रिएक्शन करा जाए किसके साथ, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड, तो क्या देगा, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सिंपल सा रूल याद रखना, व्हेन, ऐसे लिखना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं कैसे, डाइल्यूट एसिड्स, जैसे कि कौन कौन ले सकते हैं, जैसे कि लाइक HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल जब डायोड एसटीओस के साथ रिएक्ट करता है तो किसको रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ले लिया एक मेटल ZN जो कि सॉलिड है, फिर मैंने ले लिया डाइल्यूट H2SO4, ये एसिड है। ठीक है, जो किस किस फॉर्म में, ये ब्रैकेट में लिख दो डाइल्यूट। तो क्या होता है, देखो मेटल सॉल्ट, मेटल मतलब ZN, सॉल्ट क्या हमारा SO4, तो ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है ये, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन H2, इनकी गैस फॉर्म में। आगे पहला एग्जांपल समझ में, और लेते हैं एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हुआ। अब मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, सेम मैग्नीशियम लिया मैंने, ले लिया है HCl लेते हैं, HCl के 2 मोल डाइल्यूट, तो इधर क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस H2, ये गैस होगा, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, 2 मोल क्यों लिए, ताकि बैलेंस भी रखना है ना इक्वेशन को, इस वजह से। फिर यहाँ ले लेते हैं और एक ले लेता हूँ मैं, फिर Fe, ये भी मेटल है, फिर आया, फिर इसको किससे के साथ रिएक्ट करना है, H2SO4 के साथ, ये क्या है, डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, FeSO4, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आया समझ में, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी की बात करते हैं अब, जब ये हम पढ़ रहे हैं तो हम एक एक्टिविटी की भी बात करेंगे। एक्टिविटी आपकी बुक में होगी, NCERT में, ठीक है, पेज नंबर 19 में, कह रहे रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस एक्टिविटी की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यही एक्टिविटी की बात हम अभी ने किया है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखो, जब जिंक ग्रेनुल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है एंड पॉपअप साउंड करता है, यहाँ पर चटपटा चट चट पट पट ऐसे की आवाज़ देता है यहाँ पर। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। अगर एक्टिविटी को आपको वाकई में एक्सपीरियंस करना है तो आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये हमारा क्या टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर ये जो रखा हुआ है येलो येलो कलर का, ये क्या है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो काला 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 दिख रहा है ना, ये हमारे क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, मतलब टुकड़े हैं मेटल्स के,
ठीक है। और ये ऊपर देखो बुलबुला टाइप निकल रहा है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस बबल्स है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, इसके ऊपर से क्या डाला गया है, ये हमारा डिलीवरी ट्यूब है, और ये क्या है हमारा सोप सॉल्यूशन है, ये ब्लू ब्लू कलर का सोप सॉल्यूशन है। अब जब ऐसा करोगे, और यहाँ पर देखो ये क्या है, ये भाप टाइप का निकल रहा है यहाँ से, ये और ये क्या है हमारा कैंडल है, ठीक है, सोप बबल विद हाइड्रोजन। हाँ, और यहाँ पर जब आप कैंडल ले जाओगे तो क्या होगा, चटपट की आवाज़ आएगी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। वो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, वो चटपट 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 करके क्या होगा, आवाज़ करेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, इस एक्टिविटी को अच्छे से देख लेना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी की बात हो गई, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो इन लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, बॉक्स कंटेंट है, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर पे जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई बोर्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हमने एक्शन विद मेटल्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल के साथ तो हो गया बात, अगर मेटल के ऑक्साइड्स आ जाएं तब क्या होगा, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो हमेशा याद रखना, आपके पास मेटल है, क्या मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट, और क्या देते हैं, वाटर। ये याद रखने का तरीका है, कैसे देखो ये ऐसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कैसे आपको वर्ड्स में लिख सकते हो, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसे लिखना प्रॉपर, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स विच आर ऑफ बेसिक नेचर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं तो बात बनी है। मैंने क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड है, CaO ले लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। फिर मैंने क्या ले लिया, एसिड लेना है, मैंने ले लिया 2HCl, सबसे ज़बरदस्त HCl एसिड होता है HCl। ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, AQ। तो हमें क्या देगा, ये सॉल्ट देगा, सॉल्ट क्या आएगा, देखो कई बच्चों के मन में होता है कि सर देखो वाटर तो ये देगा ही देगा, H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो यहाँ से H2O आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से H2O और यहाँ से O आ चुका है, तो क्या बचा, CaCl2, है ना, तो यही बच जाएगा यहाँ पर CaCl2, और ये किस फॉर्म में होता है, CaCl2 एक्वस सॉल्यूशन, AQ के फॉर्म में होता है। एक एग्जांपल दिया, और भी देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, MgO, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया H2SO4, ठीक है, ये एसिड है, किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, क्या देगा मेरे को, सॉल्ट देगा, यानी कि MgSO4, और वाटर देगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CaO मैंने ले लिया फिर से, अब की बार मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ, HCl हो गए, H2SO4 हो गया, अब मैं लेता हूँ HNO3, ठीक है, HNO3 ले लिया, HNO3 के मैंने लेता हूँ 2 मोल, क्यों, ताकि रिएक्शन बैलेंस भी करने में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaCl2
यानी 3 का होल ट्वाइस प्लस H2, क्योंकि पानी तो बना हर बार अलग हो जाएगा ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये रिएक्शन हर बार होगी। ठीक, अब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास और एक एक्टिविटी है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा डाइलूट HCl है, ठीक है, और ये हमारा परक नली है जिसके अंदर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है CaO, जो कि ब्लैक ब्लैक का दिख रहा है ये। जब इसको ये चीज़ इसके साथ रिएक्ट करती है, कॉपर ऑक्साइड डाइलूट HCl के साथ जब रिएक्ट करती है ना, तब ये चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्ट अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, है ना। ये आपकी एक एक्टिविटी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है कि अगर अगर ये जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करें, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। देखो अगर मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखना, बोथ बोथ मतलब ये चीज़ भी और ये चीज़ भी, बोथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्ट विथ एसिड्स एसिड्स टू इवॉल्व CaO। देखो वो CaO को निकालेगा एंड CaO किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, एंड फॉर्म, और वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बने क्या होता है, नमक, एंड फॉर्म सॉल्ट्स। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एक मेटल, मेटल कार्बोनेट लेना है तो मैंने ले लिया Na2CO3, मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, HCl किस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो क्या देगा मेरे को ये तो देखो भैया CO2 निकालेगा ही निकालेगा, इवॉल्व CO2 एंड फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट जो पहला निकालेगा ये निकालेगा NaCl, फिर ये पानी को अलग कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, हवा में उड़ जाएगी। अगर देखो गैस होता है ना, तो गैस के सिंबल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जी ना लिखकर, इसका मतलब होता है गैस का सिंबल, क्योंकि वो हवा में उड़ जाएगी, इसलिए एरो कनेक्शन ऊपर कर देते हैं। ये एक एग्जांपल दे दिया, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ बात को क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने ले लिया आपकी बार CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, 2HCl के साथ, तो मेरे को क्या देगा, CaCl2, फिर से पानी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा अलग हो रही है। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2NaHCO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया मैंने सोडियम के साथ, और इसको मैंने रिएक्ट करा H2SO4 के साथ, ये एसिड है हमारा, तो क्या देगा, Na2SO4, पानी तो अलग होगा ही होगा, और क्या अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आया समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा आराम से बन गया। ओके, अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया हूँ मैंने एसिड, तो एक तरफ से सारा एसिड का जितने भी टॉपिक है वो ख़त्म करेंगे, फिर बेस में आएंगे, ठीक है, फिर सॉल्ट में आएंगे। अब
एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, कि भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं, बताओ। अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जामिनर कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड तो चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या, ज़रा बताओ हमें, तो आप क्या बोलोगे? देखो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एसिड क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव आयन्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, है ना? अभी तक हमने यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एसिड्स गिव एच पॉजिटिव आयन्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है, एच पॉजिटिव आयन देता है। उसी से हम पता लगाते हैं कि ये क्या है, एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे मेरे पास एच सी एल है, ये वाटर के अंदर मैंने इसको डिजॉल्व किया, तो ये एच पॉजिटिव आयन देगा और सी एल नेगेटिव देगा। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये भी एक्वस में होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, एच टू एस ओ फोर ले लो, ये भी एसिड है, तो ये क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन देगा और एस ओ फोर टू नेगेटिव, ठीक है ना? तो एसिड्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व करने पर एच पॉजिटिव आयन देते हैं, ये तो हमारे एसिड्स हो गए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है स्ट्रोंग एसिड एंड वीक एसिड, इसके बारे में हमें जानना है। देखो जब आयन्स फॉर्म होते हैं ना, ये आयन्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो देखो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हो व्हाट इज आयोनाइजेशन, ठीक है? तो क्या है, सिंस आयन्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि आयन्स बन रहे हैं, सॉरी, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। अब मेन चीज़ आ रही है, अब देखो जो जितनी भी एसिड्स होते हैं ना वो आयोनाइज होते हैं, क्योंकि एस पॉजिटिव आयन हमें दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखना, नाउ ऑल एसिड्स आर नॉट इक्वली आयोनाइज्ड। हर एक एसिड इक्वली आयोनाइज नहीं होता है, कुछ कम होता है तो कुछ ज़्यादा होता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का डेवलप होता है, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा मेन टॉपिक, द एसिड्स विच आर आयोनाइज्ड क्या, द एसिड विच आर आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब जो एकदम डिजॉल्व हो जाता है ना लार्ज एक्सटेंट, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, जो एच सी एल है, जो एस टू एस ओ फोर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए, है ना? तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, द एसिड विच आर आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे ज़बरदस्त है एच सी एल और एस टू ओ फोर, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। और नेक्स्ट जो होगा, द एसिड्स
विच आर आयोनाइज्ड टू स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, उसमें लार्ज था, इसमें क्या लग जाएगा स्मॉल एक्सटेंट। आर नोन एज वीक एसिड्स, तो वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल दो मैं आपको, तो एग्जाम्पल क्या होगा, H2CO3, आप CH3COOH, ये इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी हमारा आराम से कवर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है। एक टॉपिक आपसे ये पूछ सकता है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है। देखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एच एटम्स प्रेजेंट, बट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम्स। ये चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखना, नोट करके यहाँ पर लिख लो। अभी मैं प्रॉपर लिखाऊंगा, अभी यहाँ पर लिखा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एच एटम्स। जो बेसिसिटी ऑफ किसी भी एसिड की, वो डिपेंड नहीं करती किस कितने एच एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एच एटम्स वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एच एटम्स प्रेजेंट, कि कितने एच एटम प्रेजेंट है उस पे वो डिपेंड नहीं करेगी। बट किस पे डिपेंड करेगी, बट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, समझ लेना। एच एटम्स कि कितने एच एटम्स हमारे रिप्लेसेबल हो सकते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको प्रॉपर एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया HCl और इधर मैंने लिया NaOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही एच लगाएं, तो इस ये जो एग्जांपल है ना, ये किसका है, मोनोबेसिक का। किसका ही है, मोनोबेसिक का। रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्योंकि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इसी के साथ ये अटैच होगा NaCl, और यहाँ क्या आ जाएगा H2O, यही बचेगा। तो ये मोनोबेसिक हुआ। अब मैं आपको और एक दिखा रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ मैंने ले लिया H2SO4 एसिड है, यहाँ पर ले लिया मैंने 2NaOH, NaOH के दो मोल लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, तो ये किसका एग्जांपल है, डाई
बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए टू एस ओ फोर और यहाँ से 2H2O, पानी के दो मोल, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर है H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पर H3 है, तो ये क्या है, ट्राई बेसिक। और यहाँ पर क्या है, 3 KOH ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या देगा ये, K3PO4 और यहाँ पर आ जाएगा 3H2O, ठीक है। सो आप एक नोटिस कर रहे हैं, जब मोनो बेसिक लिया था तो मैंने वाटर के एक मोल थे, जब डाया बेसिक लिया मैंने दो मोल थे, जब ट्राई बेसिक लिया तो वाटर के कितने मोल थे, तीन मोल थे। क्या द एसिड विच आर आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब जो एकदम डिजॉल्व हो जाता है ना, लार्ज एक्सटेंट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, जो HCl है, जो H2SO4 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए है ना, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, द एसिड विच आर आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे ज़बरदस्त है HCl और H2O4, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। और नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट जो होगा वो द एसिड्स विच आर आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। उसमें लार्ज था, इसमें क्या लग जाएगा, स्मॉल एक्सटेंट आर नोन एज वीक एसिड्स, तो वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। एग्जांपल दो मैं आपको, तो एग्जांपल क्या होगा, H2CO3, आप CH3COOH, ये इसके दो बेहतरीन एग्जांपल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी हमारा आराम से कवर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है, एक टॉपिक आपसे ये पूछ सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है, देखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एच एटम्स प्रेजेंट, बट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम्स, ये चीज होती है, हमेशा देख रहा ना, नोट करके यहाँ पर लिख लो, अभी मैं प्रॉपर लिखाऊंगा, अभी यहाँ पर लिखना, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एच एटम्स, जो बेसिसिटी ऑफ किसी भी एसिड की, वो डिपेंड नहीं करती कितने एच एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एच एटम्स, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एच एटम्स प्रेजेंट, कि कितने एच एटम प्रेजेंट है उस पे वो डिपेंड नहीं करेगी, बट किस पे डिपेंड करेगी, बट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, समझ लेना, एच एटम्स, कि कितने एच एटम्स हमारे रिप्लेसेबल हो सकते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको प्रॉपर एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है,
द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया HCl और इधर मैंने लिया NaOH. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही H लगाएं तो इस ये जो एग्जांपल है ना, ये किसका है? मोनोबेसिक का. किसका ही है? मोनोबेसिक का. रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्योंकि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इसी के साथ ही अटैच होगा NaCl और यहाँ क्या आ जाएगा? H2O, यही बचेगा. तो ये मोनोबेसिक हुआ. अब मैं आपको और एक दिखा रहा हूँ एग्जांपल. यहाँ मैंने ले लिया H2SO4 एसिड है, यहाँ पर ले लिया मैंने 2NaOH. NaOH के दो मोल लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ पर 2 है, तो ये किसका एग्जांपल है? डाई बेसिक. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na2SO4 और यहाँ से 2H2O, पानी के दो मोल. ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं. यहाँ पर है H3PO4. ठीक है, तो यहाँ पर H3 है, तो ये क्या है? ट्राई बेसिक. और यहाँ पर क्या है? 3KOH ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या देगा ये? K3PO4 और यहाँ पर आ जाएगा 3H2O. ठीक है, सो आप एक नोटिस कर रहे हैं, जब मोनोबेसिक लिया था तो मैंने वाटर के एक मोल थे, जब डायबेसिक लिया मैंने दो मोल थे, जब ट्राई बेसिक लिया तो वाटर के कितने मोल थे? तीन मोल थे. अब हमारे पास कुछ एसिड जो होते हैं उसका इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है. यूज़ ऑफ सम मिनरल्स एसिड्स इन इंडस्ट्री, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, ये सारे हमारे मिनरल एसिड्स हैं जिनके यूज़ होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े चीज़ों को निर्माण करने में. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, लेड स्टोरेज, बैटरीज, पेंट्स, डाइज, डिटर्जेंट्स एंड अ नंबर ऑफ एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC. इट इज़ ऑफन कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को. फिर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड्स की. नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो इन द मैनुफैक्चर्स ऑफ TNT, पिक्रिक एसिड एंड डायमेट्रिक विच आर ऑल्सो एक्सप्लोजिवस. अ मिक्सचर ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HCl एंड वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HNO3 बाई वॉल्यूम अंडर द नेम एक्वारेजिया. देखो एक्वारेजिया पे भी क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर आप तीन पार्ट्स लेते हो HCl के और वन पार्ट्स लेते हो HNO3 को और उसको मिक्स कर देते हो तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया, जिसको इज़ यूज फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, थर्ड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स, इन मेडिसिन, इन क्लीनिंग द मेटल्स सरफेस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एंड ऑल्सो फॉर द प्रिपेयरिंग एक्वारेजिया. तो एसिड्स हमने पढ़ लिया, एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान ली, सारा कुछ उसका रिएक्शन वगैरह पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे बेस. अब हम क्या पढ़ेंगे? बेस क्या होते हैं. सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आपसे आ रहा होगा,
व्हाट इज बीस, बीस क्या होते हैं। तो जैसे ही मैंने एसेट के बारे में पढ़ा है वैसे ही मैं आपको बेसिक के बारे में बताऊंगा। तो बेस के लिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखनी है। नंबर वन, वहाँ पर भी टेस्ट के बारे में बताया था पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी मैं आपको पहला चीज टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ लिखोगे बेसिस, मतलब बेसिस को हिंदी में क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, कड़वा समझते हैं ना। बेसिस हैव जनरली जनरली बिटर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट एंड सोपी टच, सोपी समझते हैं ना, साबुन की तरह चिपचिपा होता है टच में, सोपी टच, ओके। नंबर सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH नेगेटिव आयन, जबकि एसिड क्या देता था, एच पॉजिटिव आयन देता था, और बेसिस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। क्लियर। थर्ड पे आ जाऊँ, अब वहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में किसकी बात की थी, जो हमारे इंडिकेटर है उनकी करस्पॉन्डिंग बात की थी, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। बेसिस, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस को वो किस में टर्न कर देते हैं, ब्लू में, उसका उल्टा करते हैं। और फिनोफ्थिलीन के लिए बात करेंगे तो फिनोफ्थिलीन, ठीक है, फिनोफ्थिलीन पिंक एंड गिव येलो कलर विद मेथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन को में वो पिंक हो जाता है और येलो कलर हो जाता है किसमें, मेथाइल ऑरेंज में। यानी कि मेथाइल ऑरेंज में बेसिस कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब क्योंकि मेथाइल ऑरेंज वैसे ही ऑरेंज कलर का होता है, तो वो तो ऑरेंज कलर का ही रहा, यानी कि उसका कलर चेंज बिल्कुल ही नहीं हुआ। यानी कि जो बेस होता है, दे डो नॉट चेंज द कलर इन मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि बेस को आप कैसे पता लगा सकते हो, बेस की आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है। बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और उसका जो टच होता है वो चिपचिपा होता है, सोपी टच का होता है। बेस डिसॉल्व करता है वाटर में क्या, OH नेगेटिव आयन को, एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, फिनोफ्थिलीन में वो पिंक हो जाता है और कलरलेस रहता है कहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज में। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी जो हमने आराम से जान ली बेस के बारे में। सो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ बेस, तो आप ये तीन चीज़ें उसको बता दोगे आराम से। अब रिएक्शन की बात करेंगे, बेस जान लिए हैं, जैसे हमने एसिड में सब चीज़ें पढ़ी हैं वैसे हम बेस के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके मन में आ रहा होगा, एक्शन विद मेटल्स, ठीक है। अगर उसको मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा बेस का, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये लिखना हो, मेटल्स जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ईटीसी, जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एल्काइल्स, जैसे कि बेस हो जाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग एल्काइल्स, कैसे, जैसे कि हमारा हो जाएगा NaOH, ठीक है, जैसे कि KOH,
स्ट्रांग होते हैं हमारे। तो वो हमें क्या देता है, टू। तो वो हमें क्या देता है, टू। हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट में जब भी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, टू इवॉल्व हाइड्रो गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक मेटल ले लिया जिंक, ZN सॉलिड है, उसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, मैंने बेस उसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि 2NH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल ले लिए मैंने, रिएक्ट करा रहा हूँ, तो देखो हाइड्रोजन गैस को तो वो रिलीज़ करेगा ही करेगा H2, ठीक है, और बाकी जो बच गया Na2ZO2, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम यानी सोडियम, और ये बोलते हैं जिंकेट। ये पहला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने SN ले लिया, ठीक है, फिर से वही चीज़ ले लिया 2NaOH, तो ये मेरे को क्या देगा, Na2SNO2। बस इसकी जगह को बस इसने चेंज किया है, बाकी तो वही चीज़ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम स्टेनाइट, स्टेनाइटेट, ठीक है, सोडियम स्टेनाइटेट। ठीक, ये चीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, हमने ये केस एसिड के टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो हमें बेसिक के टाइम पे भी डिस्कस करना है। तो मैं सीधा सीधा बात बता रहा हूँ, जब हम लेते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये जब रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ तो क्या देगा, ये सॉल्ट बनाएगा और वाटर को रिलीज करेगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। यानी कि प्रॉपर वे में लिखो तो मैं एसिड्स, देखो एसिड की बात भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ऑक्साइड्स, बट बेस रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि हमारा SO2 है, जैसे कि हमारा SO3 है, ये सब ETC, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, जो कि मैं ऊपर में लिख चुका हूँ याद रखने के लिए, ठीक। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2NaOH, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक बेस है, उसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, CO2 के साथ, ये मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, तो क्या देगा, Na2CO3, और क्या देगा, वाटर। ये जो Na2CO3 होगा ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, और H2O किस में होगा, लिक्विड में। और एक लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ले लिया मैंने, फिर इसको मैंने रिएक्ट करा दिया SO2 के साथ, तो मेरे को क्या देगा, CaSO3, और मेरे को फिर से क्या मिल जाएगा, पानी।
ठीक है। देखो पानी तो रिलीज़ करेगा ही करेगा, पानी को रिलीज़ कर देगा, ये एटम्स यहाँ से माइनस कर दो तो जो बचेगा वो यहाँ लिख दो, ठीक है। आइडिया लगाते हैं कैसे, मैं थोड़ा ये थोड़ा टिप्स भी देता हूँ कैसे करते हैं। वाटर तो रिलीज़ होना ही होना है, कैल्शियम यहाँ पर कितना है, एक है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ठीक है ना। और इधर क्या था मेरे पास, एच ओ टू भी था। सो यहाँ पर एच टू आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ से एक ओ भी यहाँ पर आ चुका है ना। तो बचा मेरे पास क्या, सी ए ओ और यहाँ से एच ओ टू, तो ये चीज़ आ गया। तो देखो यहाँ से सी ए इधर आ गया, एच वाला है इधर आ गया, इधर से ऑक्सीजन दो, इधर से ऑक्सीजन एक, तीन यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो या याद रख सकते हो। ये मेरा एक पर्सनल टिप्स था, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा था, वीक एसिड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी एक आता है टॉपिक स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। ठीक है, जिस तरीके से एसिड के बारे में पढ़ा उसी तरीके से बेस के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक एसिड, बेसिस हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। बट एसिड में क्या होता था कि एच पॉजिटिव आयन को वो रिलीज करता था, और बेसिक बेस में क्या होता है, ओ एच नेगेटिव आयन को वो क्या करता है, ओ एच नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स। ये जो ओ एच नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स, ठीक है, ये याद रखना। ओ एच नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन्स को वो रिलीज करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर ले लूँ तो जैसे कि मेरे पास एन ओ एच, के ओ एच, ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, दो ही याद रखूँ बहुत है, ठीक। मैं एग्जांपल देता हूँ इसको कैसे होता है, ये रिएक्ट करते हैं, ये एन ओ एच है, ये वाटर है, डिजोल्व किया तो एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव, ठीक है। फिर से अगर दूसरा ले तो के ओ एच वाटर, जब हम डिजोल्व करेंगे तो के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात करेंगे इसका उल्टा, जस्ट क्या होता है, वीक, तो क्या लिखोगे, बेसिस विच आर आयोनाइज्ड टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, आर नोन एज वीक बेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा क्या आ जाता है, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, एन एच फोर ओ एच, ठीक है। ये दो इजी इजी एग्जाम्पल आप हमेशा याद रख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी पढ़ लिया हमने, ठीक। अब जैसे ही हमने एसिड के बारे में पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये भी जान लेते हैं।
देखो जब हम एसिड पढ़ रहे थे, फॉर एसिड वी यूज द टर्म बेसिटी बिकॉज ऑफ एच पॉजिटिव आयंस ऑफ द एसिड आयन बाय रिप्लेस्ड ओनली व्हेन द रिएक्ट विद बेसिस। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं बेसिस के लिए, द टर्म एसिडिटी यूज फॉर बेसिस बिकॉज ऑफ ओ एच नेगेटिव आयंस। ठीक है, एसिड के लिए किसके लिए बात होती है? एच पॉजिटिव आयन के लिए बात होती है, और बेसिक के लिए किसके लिए बात होगी? ओ एच नेगेटिव आयन के लिए बात होगी। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, जैसे वहाँ पर भी लिखा था, डिक्टो सेम है, थोड़ा सा चेंजेस आने लगे। यहाँ पे क्या लिखा हो गया? द नंबर ऑफ रिप्लेसिबल ओ एच, ठीक है, ओ एच नेगेटिव ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ बेस विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। वहां पर एसिड में किस कौन सा हट रहा था? एच पॉजिटिव आयन जितने हटते थे, और यहां पर क्या हटेंगे? ये चीज। और इन एक्वस सॉल्यूशन एज आयंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिडिटी की, बताना है कि बताओ इसकी बेसिडिटी कितनी है, तो इसकी बेसिडिटी कितनी है? 1 है। अगर मैं बात करूं COOH का होल टेस्ट, तो इसकी बेसिडिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी हमने आराम से कर लिया है। अब हम बात करेंगे, एसिड पढ़ लिया हमने, देखो एसिड पढ़ लिया हमने, बेस पढ़ लिया हमने, अब हम बात करेंगे, एक रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से हम सॉल्ट के बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। सो हमेशा याद रखना क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और क्या अलग होता है? वाटर अलग होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल, तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड है, इसको मैंने रिएक्ट किया है, मैंने बेस लेना है अभी हमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेरे को क्या देगा? NaCl, जो कि सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, और क्या रिलीज करेगा? वाटर। सिंपल से एक एग्जाम्पल लिया, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, दो की पॉइंट है, की पॉइंट हमेशा याद रखना है। पहला की पॉइंट क्या है
कि देखो दो टाइप के हो सकते हैं, कि अगर आपका इफ बोथ एसिड्स एंड बेस, जो भी आप एसिड लेते हो और बेस लेते हो दोनों के दोनों आर स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है आर स्ट्रॉन्ग, फिर क्या होगा जो रिएक्शन होती है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कंप्लीट, तो वो रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट मानी जाती है। क्योंकि उस टाइप में क्या होता है कि हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एच पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव परफेक्टली अटैच हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ HNO3, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैं एक स्ट्रॉन्ग बेसिक ले रहा हूँ KOH, ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें क्या होगा कि KNO3 ये हमारा सॉल्ट है और ये H2O ये हमारा पानी है, तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या है कंप्लीट है। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैं 2 मोल ले लेता हूँ NaOH के, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्ट होकर क्या देगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड चीज, सपोज करो इन आइदर केस, मतलब दोनों में से कोई सा भी, या तो एसिड या फिर बेस, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, अगर ऐसा होता है आइदर द एसिड और द बेस इज वीक, कोई एक वीक है कोई एक स्ट्रॉन्ग है, फिर जो रिएक्शन होगा द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओनली पार्शियल, उस टाइम बेस को इनकम्प्लीट तो नहीं बोल सकते लेकिन पार्शियल होगा, क्या बोलेंगे उसको पार्शियल बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे पूरा, क्योंकि एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, ओनली पार्शियली होगा। जैसे कि मैं लेता हूँ एक वीक ले लिया मैंने वीक एसिड CH3COH, ये क्या है वीक एसिड है, और एक मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिएक्ट क्या करेगा CH3CCONA H2O, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी पार्शियल होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर 1 में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के बारे में डिटेल नॉलेज में जाना है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कहाँ से, यहाँ से स्ट्रॉन्ग आर ये चीज़ जो आपका pH है ना pH स्केल, वहाँ से पढ़ेंगे सारा चीज़, ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही NCERT की मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं सीख सकते हैं।